मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी आज विश्व में सर ऊंचा कर करके गौरव महसूस कर रहा है। 21 जून 2017 पूरा विश्व योगमय हो गया। पानी से पर्वत तक लोगों ने सवेरे सवेरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि योग पहले होते नहीं थे, लेकिन आज योग जब एक धागे में बंध गए हैं, योग विश्व को जोड़ने का कारण बन गए हैं। दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने योग के इस अवसर को अपना अवसर बना दिया। चीन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उस पर लोगों ने योग का अभ्यास किया। तो पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिचू पर समुद्र तल से 2400 मीटर ऊपर लोगों ने योग किया। फ्रांस में एफिल टावर की साय में लोगों ने योग किया। यूएई में अबू धाबी में 4000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योग किया। अफगानिस्तान में हेरात में इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम सलमा बांध पर योग करके भारत की दोस्ती को एक नया आयाम दिया। सिंगापुर जैसे छोटे से स्थान पर 70 स्थानों पर कार्यक्रम हुए और सप्ताह भर का उन्होंने एक अभियान चलाया है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 स्टैम्प्स निकाले, उन 10 स्टैम्प्स को रिलीज किया। यूएन हेडक्वार्टर में योगा सेशन विद योगा मास्टर्स का आयोजन किया गया। यूएन के स्टाफ, दुनिया के डिप्लोमेट्स, हर कोई इसमें शरीक हुआ। इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रिकॉर्ड का भी काम किया। गुजरात में अहमदाबाद में करीब करीब 55,000 लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुझे भी लखनऊ में योग के कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला, लेकिन पहली बार मुझे बारिश में योग करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सैनिकों ने जहाँ -20, -25, -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस सियाचिन में भी योग किया। हमारे आर्म फोर्सेज हो, BSF हो, ITBP हो, CRPF हो, CISF हो, हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ साथ योगा को अपना हिस्सा बना दिया है। इस योगा दिवस पर मैंने कहा था कि तीन पीढ़ी, क्योंकि ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो मैंने कहा था कि परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ योगा करते हो, इसकी फोटो शेयर कीजिए। कुछ TV चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था। मुझ पर काफ़ी फ़ोटो मिले, उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स नरेंद्र मोदी ऐप पर कंपाइल करके रखे गए हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है, उसमें एक बात अच्छी उभर करके आ रही है कि योग से आज की जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है, वो फिटनेस से अब वेलनेस की ओर जाने की दिशा में कदम रख रही है। और उनको लग रहा है कि फिटनेस का महत्व ही है, लेकिन वेलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है।